हेलो फ्रेंड्स, आज हैं हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विरनो और आज आप लोगों को हम बताएंगे कि गर्भवती महिलाएं क्या टीकाकरण करवा सकती हैं कोविड-19 का। आज हमें विरनो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे और आज हम यहां पे स्टाफ नर्स मैम बैठी हुई हैं जो कि यहां पे कोविड का वैक्सीनेशन करती हैं, यहीं पर करती हैं। तो मैम से हमारे बेसिकली क्वेश्चंस होंगे कि क्या गर्भवती महिलाएं वैक्सीनेट हो सकती हैं और क्या बच्चा डिलीवरी होने के बाद क्या वो टीकाकरण कर सकती हैं, मतलब क्या क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर बच्चा गर्भ में है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ना, यही सारी बातें हम मैम से पूछेंगे तो मैम हम लोगों को बताएंगे। तो मैम ये बताइए, आप पहला क्वेश्चन आपसे यही है हमारा कि क्या गर्भ में बच्चा है तो कितने महीने तक गर्भवती महिलाएं टीका नहीं ले सकती हैं, अगर ले सकती हैं तो क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मतलब बहुत सारी महिलाएं तो इस बात से डरती हैं कि गर्भ में बच्चा पल रहा है, वैक्सीनेट हो जाऊंगी तो बच्चे को ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी। तो मैम आप कुछ बताएं इस पर। ये कोविड वैक्सीन लगने से इसका मतलब जो भी प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, उनको सारे लोग को लग सकता है। अगर बच्चा पेट में है तो भी वैक्सीन लग सकता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चा होने के बाद भी लगता है, बच्चा अगर ठहर गया तो भी लग सकता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इससे मतलब लगने से ना बच्चे को खतरा है ना माँ को खतरा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी मतलब बच्चा अगर एक दिन का भी अगर पेट में है तो भी वैक्सीन लग सकती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा मैम, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो आफ्टर डिलीवरी डरती हैं वैक्सीनेट होने में, टीकाकरण से, कि अगर मैं वैक्सीनेट होंगी तो शायद मेरा ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाए, ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत हो, मतलब बच्चे को कोई मतलब मेरे मुझे फीवर आए तो बच्चे को फीवर आ जाए। नहीं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है, मतलब ऐसा भी कोई नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग में कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है वैक्सीन लगवाने से। ये जो कोई भी लगवा सकता है, जो लोग प्रेग्नेंट है वो भी लगवा सकते हैं, आफ्टर डिलीवरी भी लगवा सकती हैं, ऐसा कुछ इसका साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक। अब बिना डर के भी हम लोग लगा सकते हैं, इससे कोई खतरा नहीं है वैक्सीन लगवाने से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुन लिया कि वैक्सीन जो है वो बच्चा अगर गर्भ में एक महीने का भी है तो आप वैक्सीनेट हो सकती हैं। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो ध्यान से सुने, और अगर डिलीवरी आपकी हो चुकी है तो आप उसके बाद कभी भी टीकाकरण करवा सकती हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है, ना आपके ब्रेस्ट फीडिंग पर कोई फ़र्क पड़ेगा, किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा ना बच्चे की सेहत पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।